आऊज़बलिन शवानज़ीम बसमिल्लमहिम रबी शराली सदरी वसरली अमरी वाहलतमिससानी यफ़ा कौली रबी सर वलातसर वतमिल खैर आमीन या रबल आलमीन मदीना बुक सीरीज़ की तीसरी किताब का छठा सबक हम पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस सबक में डॉक्टर अब्दुलरहिम साहब इस मज़र्फ़ के बारे में हमें बता रहे हैं कि इस मुज़रफ़ उन मुशत आमा का एक हिस्सा है यानी पूरी एक लिस्ट मिलती है असमाय मुशक् के नाम से ग्रामर की किताबों में उसमें फाइल भी होता है मफूल भी होता है इसम्फ़ भी होता है इसमा भी होता है इसम भी होता है ठीक है तो, तो ये चीज़ें इन तस्म़ाइल इसमफूल ये पिछले लेसन में आ गई थी इस लेसन में इसम रफ़ के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर साहब और इसम फ़ के दो औजाद हमारे सामने आए हैं एक आया जी मफ और दूसरा मफ इल मजीद देखते हैं आगे कोई और वजन आता है या इन्हीं पर इतफा होता है जी नाइफ यह भी एक स्मुल फाइल है जी नाइफ उन नाइफ लम्मा या अति लम्मा आप जानते हैं कि दो तरह का लम्मा इस्तेमाल होता है एक माजी के साथ लम्मा आता है और एक मुजारे के साथ आता है तो लम्मा जब माजी के साथ आता है तो जब इन माना में इस्तेमाल होता है जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शात फरमाया मूसल इस्लाम के रब ने फम्मा तजल्ला रबू हु लील जबल पहाड़ पर अपनी तजल्ली जो है वो गिराई तो जब माना में आएगा लम्मा माजी के साथ इस्तेमाल होगा और जब मुजारे के साथ लम्मा इस्तेमाल होगा तो ये अभी तक नहीं का मफूम देगा नॉट गेट का मफूम देगा और काम ये होगा कि फेल मुजारे जो है वो अखफ भी हो जाएगा यानी मजजूम हो जाएगा ठीक है तो अलामत मुजारे देखें या आपकी अलामत मुजारे है हमजा ता बाकी मौजूद है तो कोई भी फेल तीन हरूफ से कम हरूफ पर मुश्तमिल होता ही नहीं है तो इसका मतलब है कोई हर्फ ड्रॉप्ड है गिरा हुआ है और गिरता कौन सा हर्फ है आपको पता है कमजोर ही गिरता है जो कि हर्फ इल्लत होता है वाओ या या गिरता है तो अता याती हमजा ता या मादा उससे या ती था या ती पर जब लम्मा दाखिल हुआ तो या ती की आखिरी वाली या जो है वो ड्रॉप हो गई तो यह ती बच गया तो लम्मा या ती लफ्जी तर्जमा यहां तक होगा वो अभी तक नहीं आया अब वो को आगे जाहिर किया जा सकता है अगर हमें आगे कोई इस्म रफा में मिल जाए तो जुम ला उना यह हमें रफा में मिल रहा है अटैच जमायर के साथ इसम आ रहा है तो मजा मुजाफिल है जमील क्लास फेलो साथी उसकी जमा जुमला तो जुमलाऊना हमारे साथी हमारे क्लास फेलोज हमारे क्लास फेलोज अभी तक नहीं आए असाकि नूना यह आ रहा है जुमला की सिफत के तौर पर असाकिन की जमा साकििन किसे कहते हैं ठहरने वाने वाला फिल माहजी हॉस्टल में यानी हॉस्टल में हमारे रहने वाले साथी अब ये मुजाफ़ मुजाफ़ अल यानी मुरकब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल ये वो जो हमने कायदा पढ़ा था बेसिक कोर्स में उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर देख ले तो लम्मा याती जुमलाओ न सा हमारे हॉस्टल में रहने वाले साथी अभी तक नहीं आए आसानी जो है ये अब किसकी सिफत है अब इसको भी देख लें ये ये अली फ्लाम वाला है तो ये भी अली फ्लाम वाला है तो इसको मतलब है ये अलमाह ये की सिफत है यानी अब वो कह रहे हैं हमारे दूसरे हॉस्टल में रहने वाले साथी हमारे दूसरे हॉस्टल में रहने वाले साथी अभी तक नहीं आए अल मुशरिफ उलाई का एक में में जवाब दे रहे हैं जी उलाई का सयल हकूना आपको पता है फिर मुजारे के साथ सीन लग जाता है तो वो अनकरीब के माना देता है उलाई का सयल हकूना वो अनकरीब मिल लेंगे आ मिलेंगे बिना हमारे साथ अनकरीब हमारे साथ आ मिलेंगे वही लहिका से है कहाँ हम आ मिलेंगे इंदा महत्ता महत्ता ये भी उसी वजन पे है जी आ, स्टेशन ठीक है स्टेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है और अल कितार ट्रेन के लिए इस्तेमाल होता है और कदीम जो है ये पुराना अब ये कदीम जो है ये किसकी सिफत है जी अगर ये अलकतार की सिफत तो हो नहीं सकती के पुरानी रेल का स्टेशन तो नहीं हो सकता रेल का पुराना स्टेशन हो सकता है तो गोया इसको हम ये कह सकते हैं कि महत्ता की अगर ये सिफत है तो यहां पर ये कदीमा होना चाहिए ऐसे होना चाहिए और जर में जाएगा ये यानी इंदा महत्ता तिल कदीमती कहा हमें यहाँ मिलेंगे पुराने रेलवे स्टेशन के पास वो हमें अनकरीब हमारे साथ आ मिलेंगे आगे चलते हैं जी इब्राहिम की एंट्री हुई है जी वो सवाल करता है कम हम वो कितने हैं कम ठीक है ना कम इस्तेफामिया कम हुम वो कितने हैं अल अलमुशू अल मुश्रफ अल्मुश्रिफ जवाब देता है जी हम आशा वो दस हैं सिंपल जुमले हैं जी कोई मुश्किल नहीं है इनमें अम्र आ गया जी इसे मैं अम्र पढ़ रहा हूं इसलिए पढ़ रहा हूं कि इसके आगे वाओ लगा हुआ है अगर ये वाओ ना लगा हुआ होता तो मैं ऐसे अम्र ना पढ़ता मैं ऐसे उम्र पढ़ता ठीक है ना ये आप जानते हैं कि चूंकि उमर और अम्र दो लफ्ज हैं अम्र मुनसलिफ लफ्ज है मुनसरफ इसमें उमर गैर मुनसरफ इसमें तो उमर उमरा उमरा अमरुन अमरन और अमरिन फर्क करने के लिए कि कौन सा उम्र है और कौन सा अम्र है अम्र के साथ हालत रफा में और हालत जर में एक वाव ऐड कर दी जाती है ठीक है उमर आपको पता है जब न में आएगा ना तो गैर मुनिरफम जब नसब में आता है तो अलिफ इस्तेमाल नहीं होता और मुनसिरफ जब इस्तेमाल होता है तो दो जबर के साथ एक अलिफ इस्तेमाल होता है तो अम्र का लफ्ज जब हालत नसब में आता है तो अलिफ लगी होगी तो पता चल जाएगा कि ये अम्र है ठीक है सही है ना और उम्र भी पता चल जाएगा कि अलिफ नहीं लगा हुआ लेकिन रफा और जर में ना उम्र का पता चलेगा ना अमर का पता चलेगा तो इसलिए फ़र्क करने के लिए लिखने में अम्र के साथ एक वाओ डाल दी जाती है हालत रफ़ा में और हालत जर में और ये वो है वाओ जिसे हम बचपन में मुझे याद है हम उमरू उमरू पढ़ा करते थे तो असल में उमरू नहीं है बल्कि ये अम्र है अम्र की एंट्री हुई है जी जुमला में वो बात कर रहा है वो कह रहा है जी नाहनू ज़ाहिबूना हम जा रहे हैं नाहनू मुफ्त जाह खबर और फिल योम साबी फिल योम साबी मारफा प्लस मारफा मरकब तो और पीछे हर फिजर लगा हुआ है तो मरकब जारी जार में मजर मुतालिक हो गया जाहेबूना के नाहनू जाहेबूना फिल योम साबी हम सातवें दिन जा रहे हैं अखशाह अखशाह मैं डर रहा हूँ मैं डरता हूँ खशिया यक डरना मैं डर रहा हूँ किस चीज से डर रहा हूं मफूल चाहिए आगे तो आगे मफूल बजदर मोवल की सूरत में आएगा यकूना यकून जिहाम जिहाम कहते हैं जी रश को ठीक है रश शदीद बहुत ज्यादा के रश होगा बहुत ज्यादा अब इसको जब हम पूरा अक्षा के लिए मफूल बनाकर लाएंगे तो इसका तर्जमा कुछ हम यू करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा रश होने से डर रहा हूं हम सातवें दिन जा रहे हैं ठीक है तो मैं बहुत ज्यादा रश के होने से डर रहा हूं अच्छा रश कहां होगा आगे ये जुमला चल रहा है फिल मताफी मताफ में ये मताफ भी जो है ये भी इसमो जरफ है मताफ तवाफ करने की जगह ठीक है और वल मस आ मस आ यह भी इसमो जरफ है सई करने की जगह तो वो कह रहा है कि हम सातवें दिन जा रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा रश होने की वजह से डर लग रहा है मताफ और मसआ में यानि अब इनके लिए टर्मिनोलॉजी यही इस्तेमाल करें मताफ तवाफ़ करने की जगह और मसआ सही करने की जगह अल मुशरिफ़ अल्मुश्रिफ कह रहा है जी ला तखफ़ ला तखफ़ कुरान मजीद में, में है, ला तखफ़ इलाम आना हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने बकर को फ़रमाया था ना कि ला तखब्ल आना जब गार में आप थे छुपे हुए थे तो हज़रत बकर ने देखा कि दुश्मनों के पाँव जो हैं बिल्कुल ऊपर हैं और नज़र आ रहे हैं और आपने कहा कि अगर इन्होंने ज़रा भी नीचे अपने पाँव में देख लिया तो हम इन्हें नज़र आ जाएंगे तो नबी का फरमाया कि ला तखफ़ इन अल्लाह माआना तो अलमुशरफ कह रहा है ला तखफ़ अल्लाह अलमुस्सरु जुमला अल अलमुस्ु यस्सरा यूयसरु रब्बीसर वो जो दुआ पड़ी जाती है शुरू में रबी यस्सर यस्सरा युस्सरु यूयस्ु यु से मैस्सर आसानी करने वाला तो ये इस्मलफायल है लेकिन बाब तफी से इसमायल है तो मजीद ही अब आपसे इसमुलफ़ायल बाहर डॉक्टर साहब ने आ, करवा दी है तारुफ लेकिन एक्सरसाइज में या जिक, आ, सबक में जिक्र नहीं किया कि वो ये भी साथ बता रहे हैं आगे जा कर बता देंगे तो सिंपल जुमला इसमें है जी अल्लाह अलमयसरु अल्ला असल आसानी पैदा करने वाला है यहां पर मैं अल्लाह ही असल आसानी पैदा करने वाला तर्जुमा क्यों कर रहा हूं इसलिए खबर जो है वो मारफा आई हुई है ठीक है ना अल्लाह असल में आसानी पैदा करने वाला तो ये तर्जुमा इस तरह करेंगे वरना सिंपल जुमला था अल्लाह मुयसर अल्लाह आसानी पैदा करने वाला है लेकिन इस यकीन के साथ कहा गया कि अल्लाह मुयसरु अल्लाह ही असल में आसानी पैदा करने वाला है एक जुमला इसमें आ गया जी अना जाहिब उन जा रहा हूं इलामतबी अपने ऑफिस मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं ला तनसऊ नसिया बाब फेल नाकिस नसियां ला तनसऊ फेल नहीं तुम भूल मत जाना क्या भूलना मत जाना क्या भूलना ना आगे जो भूलना मफूल वो अन्ना के साथ आ रहा है मैं इतने कुछ ब्रैकेट कर रहा हूं और अन्ना के बारे में आपको बता चुका हूं कि इन्ना जुमला इसमिया के शुरू में दाखिल होता है तो जुमला जुमला ही रहता है जुमले में कोई फर्क नहीं पड़ता ताक़द आ जाती है लेकिन जुमला जुमला ही कंसिडर किया जाता है लेकिन जब अन्ना जुमला इसमिया के शुरू में दाखिल होता है तो जुमला जुमला नहीं रहता अन्ना के दाखिल होने से जुमला जो है वह मुफरत बन जाता है सिंगल वर्ड बन जाता है यानी मुफरत की तावील में फिर उस जुमले को कर देते हैं फिर वह मुफरत जो है वो फाइल भी बन सकता है मफूल भी बन सकता है मुजाफिला भी बन सकता है कुछ भी उसे हम बना सकते हैं तो अन्ना मऊ इदाना गोया अब ये मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ब्रैकेट के अन्ना की अन्ना का इसम आ गया जी मऊ इदाना नसम में आप देख लें और साथ ये भी नोट कर लें कि मऊ ईद मफ इल के, के वजन पे है मऊद क्या वादा वादे की जगह वादे की जगह से मुराद यानी मिलने की जगह आप कह रहे हैं मिलने का वक्त सॉरी यहां पर वक्त आएगा क्योंकि आगे वक्त जिक्र हो रहा है यह खबर है जी अन्ना की अन्ना का एक इसम हो गया मो और असातु यह अन्ना की खबर होगी तो अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर मुफरत की तावील में होकर फेल के लिए मफूल बन गया तो मत भूलना क्या ना भूलना यानी उर्दू मुहावरे में तर्जुम इसमें भी कर सकते हैं के हमारे वादे का वक्त असाअु सानियातु दो बजे है हमारा वादे का वक्त दो बजे है यानी वादा से मुराद है यानी जो आपने टाइम फिक्स किया है उसका वक्त दो बजे है ठीक है तो इसको फिर उर्दू मुहावरे में अच्छे मुहावरे में उर्दू में हम ये भी ला सकते हैं कि लात अनसो अन्ना मो इधन अस सानिया हमारे वादे का वक्त दो बजे ना भूलना ठीक है इस तरीके से जिसकी यानी उर्दू अच्छी होगी तो वो किसी ना किसी तरह इसको उसमें फिक्स कर लेगा लेकिन बहरहाल ग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया है कि इन्ना जो है वो जुमला इस्मिया के शुरू में आता है तो जुमला इसमिया जुमला इसमिया ही रहता है लेकिन जब अन्ना जुमला इसमिया के शुरू में आता है तो जुमला इसमिया जुमला इसमिया नहीं रहता बल्कि वो मुफरत की तावील में हो जाता है अच्छा आ, मैं फिर बीच में रुक गया आगे भी है वन नस्फों दो और आधा यानी ढाई बजे है क्योंकि मेरे जहन में ये आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि आधा घंटे पहले पहुंचना है तो अब यहां दो बजे कर दिया तो फिर मुझे लगा था थोड़ा सा लेकिन ये वन निस्फू इसने क्लियर कर दिया यानी टू थर्टी टू थर्टी दो और आधा मुराद दो तीस कहां पर फी मऊकफ मफ इल का वजन फी मौकफिस सियाराती गाड़ियों के खड़े होने की गाड़ियों के रुकने की जगह इन अल्हम्दुलिल्लाह जी सबक हमारा मुकम्मल हो गया सबक में इसम मुजर्फ, मफअल और मफ़इल के वज़न पर आया और बाकी जो है वो कोई ऐसी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं थी तो अब हम चलते हैं जी तमारीन की तरफ साथ ही इन शाल हमें मौका मिल गया अपने दूसरे लेक्चर में तमारीन को भी साथ करने के लिए तो तमारीन की तरफ चलते हैं जी अजब अजाबा युजीबू से अजब अनिल अस इला तिल आतियाती अब ये तो आप याद कर लें अच्छी तरह आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बस ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हर आ, लेसन के एंड पे होता था अरबी ज़ुबान में अजब अनिल असला तिल आतियाती इस तरह आपको मिलेगा मैं फिर वही करूँगा जवाब नहीं दूंगा सिर्फ पढ़ूंगा तर्जमा कर दूंगा ज़रूरी तरकीब बता दूंगा जवाब आपने बनाने हैं बनाने के बाद आपने सोल्यूशन जो हैं उनसे चेक करने हैं और अपनी गलतियां खुद निकालनी है पहला क्वेश्चन है जी मा मा अदुलश्तरी हजी हज के सफर में पार्टिसिपेंट्स की तादाद क्या क्या है ठीक है क्या थी तर्जुम तो कर लें इस तरीके से हज के सफर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो जाने वाले हैं उनकी तादाद क्या है दूसरा सवाल ऐना जहाबा हामिद अब्दुल बाकी हामिद और अब्दुल बाकी कहां गए हामिद और अब्दुल बाकी कहां गए आपने जवाब देना है तीसरा सवाल मता कब मऊद सफरी सफर का वक्त कब है सफ़र का वक्त कब है मता खबर होगी जी खबर मुकदम और बाकी जो है वो मुफ्ता मोखर हो गया मता कब चूंकि मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आइना के सिलसिले में कि इसमें भी वक्त का मफहूम है तो इसलिए ग्रामर वाले कहते हैं कि यह खबर मुकदम बन सकता है इसे मुफ्त हम नहीं बना सकते जबकि बाकी असमाय इस्तफाम को जो है ग्रामर वाले कहते हैं उन्हें हम मुफ्त बना सकते हैं चौथा क्वेश्चन है जी आना यल तक की इल्तका तका यल अतुलाबू तलबा कहा मिलेंगे अतुलाबू फाइल है यल्तकी के लिए और दूसरा सवाल इसी चौथे सवाल में है वफी अई सा आतिन वफी सा अतिन और किस वक्त में किस वक्त में मिलते कहाँ मिलेंगे और किस वक्त में मिलेंगे जी पांचवा क्वेश्चन आना यल हकू अना यल हकू बिहिम बिहीम हम से पहले जेर है तो मैं से बिहिम पढ़ रहा हूँ बिहिम तुल्लाबुल महज़ई असानी अल महज़ा असानी मुरकब तोी तुलाभ मुजाफ मुजाफ मुजाफिल मिलकर यल हकू के लिए फाइल बन गया यानी दूसरे हॉस्टल के तलबा उनके साथ ऐना कहा यल्हक्कू मिलेंगे तो इसका एनालिसिस कुछ इस तरह किया जाता है कि यल्हक्कू फेल तो लाबुल माहिस्तानी फाइल बेहम मतलक हो गया यल्हक्कू के और ऐना जो है ये जर्फ हो गया और चूँकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आना चाहता है लिहाजा इसलिए हम इसे जर्फ मुकदम कहते हैं या मफूल फी कह देते हैं ठीक है जब फेल आ जाता है तो उसी जर्फ को हम मफूल फ़ी कह देते हैं और जब जुमला इसमें होता है तो उसे हम ज़रफ़ ज़मा या ज़रफ़ मका के तौर पर ट्रीट करते हैं तो ये पाँच सवाल थे जी पहले ए, पहली तमरीन के अब चलते हैं जी दूसरी तमरीन की तरफ कलिमा तुन माओद माओद कलिमा के बारे में बता रहे हैं कि ये माखूज तुन अखज किया हुआ है माखूज मफूल के वजन पे अखज किया हुआ है लिया हुआ है कहाँ से मिन व आदा यादू व आदा यादू से मऊद को लिया गया है कलिमा मौद व आदा यादू से हासिल किया गया है लिया गया है। लिद दलालती किस की इंडिकेशन के लिए किस पर दलालत करने के लिए जमानिल वादी वादे के वक्त पर दलालत करने के लिए ठीक है यानी वादे का वक्त बयान करने के लिए यह क़लिमा मोइ जो है वादा यादू से हासिल किया गया अच्छा आगे कौमा लगा हुआ है औ मकानी वादे के वक्त या वादे की जगह पर दलालत करने के लिए इसे हासिल किया गया है वादा यादू से मौइद को व तुस्म्मा और इसको नाम दिया गया है इसम जमान इसम जमान इसमें जमा नाम दिया गया है कब नाम दिया गया इसमें जमा इजाकानत लिद दलालती अल जमानी जब ये जमाने पर दलालत कर रहा है तो इसका नाम होगा इसमें जमा व इसमांसमा मका और इसमें मका इसका नाम होगा इसको नाम दिया जाएगा इजाकानत लिद दलालती अलल मकानी जब ये दलालत करेगा जब ये दलालत कर रहा होगा मक पर यानी जगह पर तो मुख्तसरा क्या बात डॉक्टर साहब ने आपको समझाई है उन्होंने कहा है कि ये जो मौद का कलिमा है मौद का लफ्ज़ है ये ड्राइवड है कहाँ से वादा यादू से और किस लिए ड्राइवड है किस चीज़ को इंडिकेट करता है ये किस चीज़ की इंडिकेशन के लिए ड्राइव किया गया है वादे के वक्त या वादे की जगह जिक्र करने के लिए वादे का वक्त या वादे की जगह को बयान करने के लिए और इसका नाम इसको इसमें जमा कहा जाएगा उस वक्त जब ये वक्त पर दलालत कर रहा होगा और इसको इसमें मक़ा कहा जाएगा जब ये जगह पर दलालत कर रहा होगा उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी तो मैं लफ्जी भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ सारा और फिर उर्दू मुहावरे में भी हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं वो भी आपके सामने अलहमदिल्ला रख रहा हूँ जी ये इसमा ये क्या लफ्ज है जी ये इसमानी था असल में इसम का मुसन्ना इसमानी अब इसमानी जब मुजाफ कराया तो नून ड्रॉप हो गया आपको पता है तो इसमा अजमानी वल मकानी अब वो बता रहे हैं यानी इसमें जमा और इसमें मकान यानी जमा और मकान के दोनों असमा इसमानी यानी ये या मुफ्तरा बन रहा है और ये आगे खबर आ रही है दो ऐसे इसम हैं जो मसूगानी फॉर्म किए गए हैं घड़े गए हैं बनाए गए हैं नकरा नकरा मुरकब तोसीफी दो ऐसे बनाए हुए आसमां हैं लिद दलालती दलालत करते हैं जो या दलालत करने के लिए अला जमानल फेल फेल के ज़माने पर अकान ही या उसके मकान पर यानी उसकी वक्त पर या उसकी जगह पर यानी सिंपली हम इसे कहेंगे कि ये जो इसमें जमा और इसमें मकान हैं ये क्यों बनाए गए हैं इनको बनाया गया है ताकि ये फेल के वाक्य होने का वक्त या फेल के वाक्य होने की जगह बता दें ठीक हो गया वह युसा गानी अलामत मजार पेश वाली है जी वाह युसा गानी मुसन् तो आ, हम कहेंगे और इन दोनों के सीहे बनाए गए हैं मिनल फेल सलासी मुजरदी सुलासी मुजरद फेल से अलावनी मफ, मफ इलिन यानी इन दोनों के सीधे सुलासी मुजरत फेल से मफअल और मफ इल के वजन पर बनाए गए हैं तो मुख्तसरन के इसमें जमा और इसमें मकान उसके मकान पर यानी उसकी वक्त पर या उसकी जगह पर यानी सिंपली हम इसे कहेंगे कि ये जो इसमें जमा और इसमें मकाए ये क्यों बनाए गए हैं इनको बनाया गया है ताकि ये फेल के वाक होने का वक्त या फेल के वाक होने की जगह बता दें ठीक हो गया वह युसा गानी अलामत मज़ार पेश वाली है जी वाह युसा गानी मुसन् तो आ, हम कहेंगे और इन दोनों के सीहे बनाए गए हैं मिनल फ़ैल सलासी मुजर सुलासी मुजरद फेल से अलावनी मफअिन व मफ इलिन यानी इन दोनों के सीघे सुलासी मुजरद फेल से मफअल और मफअल के वज़न पर बनाए गए हैं तो मुख्तसरन के इसमें जमा और इसमें मका दो ऐसे फॉर्म्स के मकान पर यानि उसकी वक्त पर या उसकी जगह पर यानी सिंपली हम इसे कहेंगे कि ये जो इसमें जमा और इसमें मकान हैं ये क्यों बनाए गए हैं इनको बनाया गया है ताकि ये फेल के वाक होने का वक्त या फेल के वाक़ होने की जगह बता दें ठीक हो गया वह युसा गानी अलामत मज़ार पेश वाली है जी वाह युसा गानी मुसन् तो आ, हम कहेंगे और इन दोनों के सीहे बनाए गए हैं मिनल फेल सुलसी मुजरदी सुलासी मुजर्रद फेल से अलावनी मफ अलिन व मफ इलिन यानी इन दोनों